आज हम बनाएंगे टमाटो सूप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या एंड रसोई में। आज हम बनाएंगे टमाटो सूप, सर्दियों की खास रेसिपी। कड़ाके की सर्दी हो और गर्मा गर्म सूप पीने को मिल जाए, वाओ, वो भी होटल स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी सूप हम घर में बनाकर तैयार करेंगे। आइए, इसमें जो सामग्री हमें लगने वाली है वो हम देख लेते हैं। हमने आधा किलो 500 ग्राम टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है। एक गाजर लिए हमने, एक चुकंदर लिया हमने, और ये हमने ली है धनिया, इसकी डंडियां ली हैं हमने। मसाले में हमने लिया है काली मिर्ची, दालचीनी, अदरक, हींग, हरी मिर्ची और चीनी ली है हमने, और काला नमक भी लिया है और सादा नमक भी लिया है, और हमने मक्खन लिया हुआ है, और हमने लिया है कॉर्न स्टार्च। ये सारी सामग्री हमने ली हुई है। इसमें आपको अगर गाजर ना डालना हो तो आप ना डालें, और चुकंदर भी आपकी इच्छा हो तो आप डालें। तो आइए हम सूप बनाना शुरू करते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें मक्खन डाल देंगे। मक्खन को मेल्ट होने देंगे। मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है, आइए हम इसमें डालते हैं सबसे पहले काली मिर्ची, दालचीनी, अब हम डाल देंगे एक पिंच हींग, और इसमें हम डालेंगे अदरक, इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची चॉप की हुई, और ये हम डालेंगे गाजर और चुकंदर। चला लेंगे इनको। अब हम डाल देंगे टमाटर जो हमने बारीक चॉप किए हुए हैं। इनको हम अच्छे नरम होने तक पकाएंगे, और हम इसमें डाल देंगे नमक। एक चम्मच हमने नमक लिया है, आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसको पकने देंगे, ढक करके पकाएंगे। टमाटर को हम चेक कर लेंगे, चुकंदर से काफ़ी अच्छा कलर आता है इसमें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें ये डाल देंगे धनिया पत्ती, इसकी हमने डंडियां डाली हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं सूप में। हम इसको ढक करके पकने देते हैं 2 मिनट के लिए। और हमारा अच्छी तरह से मैश हो गया है, इसको हम ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसको मिक्सर में चलाएंगे, गरम बिल्कुल भी ना चलाएं, एक्सीडेंट होने का डर है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही इसको पीसेंगे। ये देखिए, टमाटर को हमने इस तरह से पीस लिया है, अब हम इसको छान लेते हैं। हम इस तरह से पूरा छान कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने छान करके इस तरह से तैयार कर लिया है। हमने गैस पर एक पैन गरम कर लिया है, अब हम उसमें ये डाल देंगे, और कुछ समय के लिए हम इसको बॉईल करेंगे। ये हमने डाल दिया है, अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, ये हमने 2 चम्मच चीनी ली है। अब हम इसमें काला नमक डाल देंगे, और इसका ये सारा झाग हम निकाल लेंगे इस तरह से। और हमने ये 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च घोला था, इसको डालेंगे, और इसको बस एक बॉईल आने तक उबालेंगे, और हम इसको उतार देंगे। एकदम से गाढ़ा होता है और ये चिपकने का डर रहता है। ये देखिए, बहुत अच्छा हो गया है, वाओ, गर्मा गर्म सूप हमारा टमाटो सूप तैयार है। हम इसको गार्निश कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा सूप। ये हमने फ्रेश पुदीने के पत्ते रख दिए हैं। बहुत ही टेस्टी सूप बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और आप इसको ब्रेड टोस्ट के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।